पे करेंगे और उसी के उसी से संबंधित विषय हम अगले हफ्ता करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और दोनों टॉपिक जो है दोनों विषय रिलेटेड है। ये जो भुइया डी में जो नोटिस दी गई, आपको मालूम है कि एनजीटी के सामने झारखंड सरकार के वकील ऐश्वर्य, अब मैं आपको एक बहुत ही सनसनी सूचना देने दे रहा हूं। अर्जुन मुंडा 30 अगस्त 2023 ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर एक कंप्लेंट दायर करते हैं एनजीटी भुइयाडीह और बस्तियों के खिलाफ। फिर से सुन, भाजपा के अर्जुन मुंडा जी 30 अगस्त को एनजीटी में दिया। अगर अर्जुन मुंडा ने दरखास्त नहीं देता, अगर मुंडा जी अगर हलफनामा दायर नहीं करते तो ये मामला ही नहीं शुरू होता। तो गाड़ी जो है अतिक्रमण हटाने का, मकान तोड़ने का प्रक्रिया सरयू राय जी के परम मित्र, संरक्षक, हितैषी, सपोर्टर, समर्थक अर्जुन मुंडा जी और सरयू राय जी के पूरी जानकारी में थी, लेकिन एक बार भी आपके सामने ये बात की खुलासा उन्होंने नहीं की, क्योंकि पैसा कमा एसटीपी सेटअप करने का कौन सा कंपनी है, किस कॉर्पोरेट घर खेलते हैं। ये खेल इतनी बड़ी है और इतना घृणाजनक है भाजपा और जेडीयू, अभी तो जेडीयू में लेकिन बीजेपी में ही थे, कि स्पष्ट रूप से ये सूट बूट की सरकार, ये कॉर्पोरेट की सरकार गरीबों के पसीना लाशों के ऊपर खड़ा करके ताकि चंद पैसे कमाने के लिए ये नेतागण ने इस तरह का जो है कुत्सित जो है काम किया। इनको कोई मतलब नहीं कि जमशेदपुर के सभी बस्ती उजाड़ दिया। और मान लीजिए, आप लोग प्लीज नोट, भारत के इतिहास में कभी भी पहली बार होगा जब मंत्री ने पब्लिक का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर से दरखास्त दिया होगा। बहुत बड़ा लेन देन, हम दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक तो मालिकाना पर जो ख्याल पैसे का खेल हुआ है और आज इस पर। सरयू राय जी का झूठ का कोई सीमा नहीं है। कल वो ट्विटर में और फेसबुक में डालते हैं 10 बजे की हमने दरखास्त दे दिया संजय उपाध्याय ने, 1 बजे खबर आती है कि वो तो रद्द हो गया। हम हमेशा कहते हैं कि हमने सरकारी वकील से बात की, महाधिवक्ता से बात की, चीफ मिनिस्टर से जो हमारी संपर्क रहा है, और हमने कहा कि गरीब लोगों के पक्ष रखिए, तो सरकारी वकील ने जो बातें सब रिकॉर्ड ले लिए उसी आधार पर पेश किया, तो 2 सितंबर को फिर से डेट दिया गया। उसके अलावा हमने एक वकील तय किया था संजय बैनर्जी जी, उन्होंने दरखास्त फाइल किया था लेकिन उनका दरखास्त आने का टाइम तब तक जो है टाइम पार हो गया था तो बेंच उठ गई थी, लेकिन चल जाए, लेकिन पैसा चंगासी आनी चाहिए। ये पैसा का खेल है, नहीं तो कोई बाहर का आदमी मंत्री बोलता है कि भुइयाडीह का अतिक्रमण हटाओ और सरयू राय जी चुप, क्योंकि उनके हितैषी, उनके दोस्त, उनके बड़े, उनके भाई, क्या है। ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।